हरे कृष्णा राधे राधे जी सबको। अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी के लिए चंदन का लड्डू कैसे बनाएं, जो साल में एक बार ही अर्पण किया जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे बनाते हैं। इसके लिए थोड़ी सी ब्रजरज मैंने ली है, तुलसी ली है और इत्र, थोड़ा सा चंदन और थोड़ा सा शहद लिया है मैंने। शहद, चंदन और ब्रजरज के साथ साथ मैं गोवर्धन जी से मानसी गंगा का जल लेकर आई थी, थोड़ा सा वो मिक्स किया है। इन सब को मिक्स करके सूखी लकड़ी तुलसी जी को और ब्रजरज को मिक्स करके शहद के साथ एक लड्डू का आकार दीजिए। इसमें थोड़ा सा केसर या हल्दी आपके घर में है तो आप वो भी डाल सकते हैं, जिससे कि हमारा चंदन का लड्डू तैयार हो जाएगा। इसे चंदन को थोड़ा सा मैश कर लीजिए और इन सब को आपस में मिक्स करके एक लड्डू की शेप दीजिए। धीरे धीरे यह आपस में मिक्स हो जाएगा, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा केसर और हल्दी डाली है, पूरा मैश हो जाने के बाद ये इसे एक लड्डू की शेप में बना दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। जितने हमारे लड्डू गोपाल जी हैं मैंने उस हिसाब से बनाया है। अगर आपके पास ठाकुर जी बड़े हैं तो आप बड़े भी बना सकते हैं और इसे ठाकुर जी के समक्ष अर्पण कर दें और ठाकुर जी को चंदन का लेप अवश्य करें, क्योंकि अब गर्मी स्टार्ट है। ठाकुर जी को इसलिए अक्षय तृतीया के दिन चंदन का लड्डू अर्पण किया जाता है। इसी के साथ सबको राधे राधे जी।